कैटेगरी एक बार और बता देते तो अच्छा रहता। कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री? देखिए, जी सर, जी सर। कैटेगरी वन जो उसमें डॉट्स क्राइटेरिया में था, कैटेगरी वन में जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन थी वो कितनी थी टोटल? 6 मंथ की। दो फेज चलता है, हाँ, एक चलता है इंटेंसिव फेज, दूसरा कंटिन्यूएशन फेज था। इंटेंसिव फेज में जो ट्रीटमेंट देते हैं वो 2 मंथ का दे रहे हैं। इसको सिंपल इस तरीके से याद करिए, 2HRZE, हाँ। अभी इसका ये निमोनिक्स है ना, थ्राइस वीकली देते हैं। इसमें इथाम्ब्यूटाल है, पायरेजिनामाइड है, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड, ये 4 ड्रग्स होती हैं। अब कंटिन्यूएशन फेज में हम जो देते हैं वो 4 मंथ के लिए देते हैं। एक चीज़ मैंने बताई थी कि डार्ट्स का कोई भी फेज हो और कोई भी कैटेगरी हो, उसमें 2 ड्रग कॉमन है जो हमेशा चलनी है, वो याद है? नेक्स्ट आरसी नेक्स्ट और थाम्बू टू इथाम्ब्यूटल नहीं, आइसोनियाजिड और डिफरेंस रिफाम्पिसिन। आइसोनियाजिड और देखो रिफाम्पिसिन, देखो ये देखिए, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जितनी भी कैटेगरी है तीनों कैटेगरी उसमें ये चलेगी। तो इसका टोटल अगर आप मंथ में देखें, 2 मंथ और 4 मंथ, 6 मंथ का ये कोर्स है। उसके बाद कैटेगरी टू आती है। कैटेगरी टू में रिलैप्स हैं, डिफाल्टर हैं, ये सब आते हैं। हाँ, कैटेगरी टू में जो आता है वो 2 मंथ के लिए, तो देखिए ये जो जो है ना ऊपर HRZE, इसमें मैंने देखो। बताया था फर्स्ट लाइन ड्रग में एक इंजेक्टेबल है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब उसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे, इसी के साथ साथ 1 मंथ के लिए यही सेम ऊपर वाला जो कैटेगरी वन का था HRZE, इसको ऐड करिए, ठीक। और 5 मंथ के लिए HRE इसमें जोड़ देते हैं, इथाम्ब्यूटाल। ये टोटल जो ड्यूरेशन होता है ये 8 मंथ का होता है, ठीक। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। ये तो मान लीजिए कैटेगरी टू था, कैटेगरी थ्री का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उसका बहुत लेंदी है, उसको देखना पड़ेगा अभी। देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल नंबर ऑफ डोजेज हम कितनी देते हैं। मान लीजिए कैटेगरी वन का ये वाला पूरा क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें कोई ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डोजेज हम कितनी देंगे, अगर ये पूछे ये पूरा कैटेगरी वन का ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं 6 मंथ के लिए, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डोजेस कितनी दी जाएगी ड्रग्स की? देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो हम ये दे रहे हैं HRZE थ्राइस वीकली, मतलब क्या है, हफ्ते में हम 3 बार दे रहे हैं और यहाँ 2 महीने के लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस 2 महीने को आप कन्वर्ट कर दीजिए हफ्ते में, वीक में, ये हो जाएगा 8 वीक, 8 वीक इंटू 3, क्योंकि हफ्ते में 3 बार दे रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा 24 इंटेंसिव फेज का। उसके बाद ऐड कर दीजिए इधर 4 मंथ का है, 16 इंटू 3, ये आ जाएगा 48, इनको जोड़ेंगे टोटल आ जाएगा 72 डोजेस। ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने देखा था, तो मुझे याद, तो मैंने कहा इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डोजेस जो हमारी हो गई कैटेगरी वन में वो 72 डोजेस हो गई। इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे, जो मंथ है उसको वीक में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि वीकली देनी है ना, हफ्ते में 3 बार दे रहे हैं ड्रग को। अब कैटेगरी थ्री है, उसको देख लीजिए। कैटेगरी थ्री में देखिए 4 महीने के लिए जो हम देते हैं ये पूरी अलग ड्रग्स हो जाती हैं। इथाम्ब्यूटाल है, इथिनोमाइड है, हाँ, पायरेजिनामाइड, ऑफ्लक्सेसिन है और कैनामाइसिन है, ये 4 महीने के लिए देते हैं। उसके बाद 12 से 18 महीने के लिए ऑफ्लक्सेसिन है, साइक्लोसेरीन है, इथाम्ब्यूटाल और इथिनोमाइड है, ये ड्रग देते हैं कंटिन्यूएशन फेज में 12 से 18 महीने के लिए। तो टोटल जो ड्यूरेशन हो गया 18 to 24 मंथ का ड्यूरेशन होता है कैटेगरी फोर में, जो MDR TB के लिए यूज़ होता है। कैटेगरी थ्री नहीं, कैटेगरी थ्री को मर्ज कर दिया गया कैटेगरी वन में, तो कैटेगरी थ्री को अब लाते ही नहीं है इसमें, कैटेगरी वन वाला ट्रीटमेंट ही चलता है, उसके लिए कोई अलग से डिफिनेशन नहीं दी गई है, ठीक। और फर्स्ट लाइन ड्रग में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो इंजेक्टेबल है, और टोटल जितनी कैटेगरी है जितने फेजेस हैं उसमें 2 ड्रग्स आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन चलनी ही चलनी है, वो हर कैटेगरी में। यहाँ से देखिए यहाँ पे होगा ना, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इंडिकेटेड इन ऑल फेजेज ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ डॉट्स,
रिफामपिसिन एंड आइसोनियाजिड। ठीक, अब लेप्रोसी की बात कर लेते हैं। लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी को क्या यूनानी में क्या कहते हैं? जुजाम, जुजाम ही कहते हैं ना। और मॉडर्न में अगर इसको नाम दिया जाए तो एक नाम है इसका हैंसेंस डिजीज, और एक नाम और इसका है सोशल डिजीज। क्यों? क्योंकि ये अछूत बोली जाती है, जिसको एक बार लेप्रोसी होगी लोग उसके पास भी भटकना नहीं चाहते। तो सोशल डिजीज और हैंसेंस डिजीज बोलते हैं, और यूनानी में आपके जुजाम। लेप्रोसी क्या? क्रोनिक इन्फेक्शस डिजीज, हाईली इन्फेक्शस है लेकिन उसके मुकाबले में इसकी पैथोजेनिसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लॉन्ग है, मंथ लॉन्ग है, कई कई महीने का इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया। लेप्रोसी खास तौर से, लेप्रोसी जो है ये मेनली किसको इन्वॉल्व करती है? नर्व नर्स को। नर्स में दो तरीके का को आपका नर्व होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये मेनली अफेक्ट नर्व करती है लेप्रोसी। क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज है, किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम ठीक, अब कैप्री देखिए ये माइकोबैक्टीरियम खानदान का ये भी है, तो ये भी एसिड फास्ट बैसिलाई है, और इसकी भी जो स्टेनिंग होती है वो जील नील्सन स्टेनिंग, इससे जील नील्सन स्टेनिंग से ये भी स्टेन किया जाता है। जील नील्सन स्टेनिंग इसमें भी की जाती है। मेनली जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करता है। और उसमें भी अगर ये क्वेश्चन बने, क्वेश्चन बना भी है कि मोस्ट कॉमनली नर्व जो इसमें इन्वॉल्व होती है, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? पेरिफेरल हाँ, मोस्ट कॉमन नर्व की बात अगर हम करें तो वो अल्नर नर्व है, और सेकेंड मोस्ट कॉमन जो होगी, वेट हाँ मीडियन नर्व हाँ यस, सेकेंड मोस्ट कॉमन जो है मीडियन नर्व है। अच्छा, अल्नर नर्व का एक और नाम दिया गया है, किसी ने कभी, अगर पाइनियर जो NIUM के क्वेश्चन की बुक है उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन वहाँ पे बना था कि फनी बोन किसे कहते हैं? फनी बोन, हाँ इसका नाम है फनी बोन, अल्नर नर्व का, इसको फनी बोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका एल्बो जॉइंट है ना, अगर ये किसी कॉर्नर पे कहीं टकरा जाता है तो अजीब सा सेंसेशन पैदा होता है, आप लोगों ने महसूस किया होगा कभी ना कभी। तो उसी को लेते हुए इसको फनी बोन भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमनली जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो अल्नर नर्व है, सेकेंड मोस्ट कॉमन मीडियन नर्व। इसके अलावा भी जैसे ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है, आपके पोस्टीरियर टिबियल नर्व है, और भी दूसरी नर्व इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कॉमन की बात हर जगह रहती है कि मोस्ट कॉमनली कौन सी होगी या सेकंड मोस्ट कॉमनली कौन है, वो याद करने के मेनली जो अफेक्ट करती है वो अल्नर नर्व, और सेकंड मोस्ट कॉमन है मीडियन नर्व, और 3 से 4 इसके कार्डिनल फीचर्स हैं वो भी पाए जाने चाहिए। एक तो इसमें जो सबसे बड़ी पहचान होती है पैचेस की, कहीं कहीं हाइपोपिगमेंटेड होते हैं, कहीं कहीं हाइपर पिगमेंटेड पैचेस होते हैं, हाँ जिसको स्किन लीजन्स भी बोला जाता है। और साथ में सेंसेशन चाहे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए या आधा अधूरा रहे थोड़ा बहुत, और सबसे पहले जो सेंसेशन लास्ट होता है वो टच का होता है, टच सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, और नर्व जो होती है वो ठीक हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ थिकेंड नर्व। और उसके बाद स्किन या नेजल स्मेयर्स लिया जाए तो उसमें एसिड फास्ट बैसिलाई की मौजूदगी हो, ये 4 जो इसके कार्डिनल फीचर्स हैं लेप्रोसी के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? मोस्ट कॉमनली बताया गया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा ये फैलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा पाया गया कि खास तौर से इसकी अभी कैटेगराइजेशन कई अलग अलग लोगों ने, मैड्रिड क्लासिफिकेशन है, रिडले जॉबकिंस है, इंडियन क्लासिफिकेशन है, सब अलग अलग क्लासिफिकेशन, उसके मुताबिक इसमें जो कहा गया एक लेप्रोमेटस टाइप होती है, तो लेप्रोमेटस में ये पाया गया कि जो नेजल कंजेशन या नेजल स्मीयर जो है उसमें सबसे ज़्यादा माइकोबैक्टीरियम लेप्री पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे कॉमन जो ट्रांसमिशन माना गया वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का माना गया। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन यानी डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी ये फैलती है। इसके अलावा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिसको हम फोमाइट्स कहते हैं, सॉइल है, यहाँ से भी ये फैल सकते हैं। लेप्रोमेटस मदर है, सबसे हाईली इन्फेक्शस अगर जो इनकी क्लासिफिकेशन में है ना तो वो लेप्रोमेटस टाइप की है, तो लेप्रोमेटस मदर है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क से भी बच्चों में फैल सकती है। ट्रांसप्लांटेड प्लेसेंटल यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है।
या फिर कोई टैटूइंग करा रहा है, उसी नीडल को किसी और ने भी यूज़ कर लिया, या भी इंसेक्ट वेक्टर था कोई, उसने बाइट किया किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया, तो इनसे भी फैलता है। लेकिन ये सब जो है लेस कॉमन है, मोस्ट कॉमन जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो लेप्रोमेटस होते हैं, और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस केसेस होते हैं। लेप्रोमेटस एंड बॉर्डर लाइन क्यों होते हैं? देखिए, ये रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन है, इंडियन क्लासिफिकेशन है, मैड्रिड क्लासिफिकेशन, इनमें अलग अलग इन लोगों ने क्लासिफाई किया। हम क्योंकि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण एक अभियान चला था, हाँ, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण अभियान था, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन दी गई वो इंडियन क्लासिफिकेशन वही मानी जाती है। इंडिटर्मिनेट टाइप है, ट्यूबरकुलाइड है, बॉर्डर लाइन है, लेप्रोमेटस और प्योर न्यूराइटिक। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनडिटर्मिनेट टाइप जब हम बात करते हैं, खासतौर से इनडिटर्मिनेट टाइप की, तो ये अर्ली केसेस को इनडिटर्मिनेट टाइप कहा गया। इसमें एक या दो हाइपोपिगमेंटेड पैच मिलते हैं, वन और टू। हाइपोपिगमेंटेड पैच होते हैं, मतलब क्या, जो स्किन का कलर है उससे कम कलर का रहता है, जो नॉर्मल स्किन कलर है उससे हल्का कलर का पैच मिलता है। इल डिफाइंड होता है, आप उसको लोकलाइज नहीं कर सकते। साथ में सेंसरी लॉस, उस एरिया का जहाँ पे ये पैच है वहाँ सेंसेशन खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन अगर इसका स्क्रैपिंग की जाए, इसका स्मियर बना के, इसकी स्लाइड बना के चेक किया जाए, तो बैक्टीरियोलॉजिकली निगेटिव होता है ये जो पैच होता है, इनडिटर्मिनेट टाइप का, यानी कि बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं पाया जाता है उस पर स्किन लीजन में, तो बैक्टीरिया एबसेंट होता है इसमें। दूसरी जो टाइप है ट्यूबरकुलाइट टाइप, इसमें एक से दो होते हैं लेकिन ये वेल डिफाइंड होते हैं, इसमें भी वन आर टू। अब यहाँ पे इसमें हाइपोपिगमेंटेड पैच था, यहाँ पे दोनों कंडीशन लगा दी गई कि हाइपोपिगमेंटेड भी हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकता है। हाइपर पिगमेंटेड में मोस्ट कॉमनली जो कहा गया एरिथमेटस, मतलब रेड एरिया होगा वो। अब वेल डिफाइंड आप लोकलाइज कर सकते हैं उसको। सेंसरी लॉस पाया जाएगा सब में, और बैक्टीरियोलॉजिकली निगेटिव होता है, बैक्टीरिया यहाँ भी एबसेंट रहते हैं ट्यूबरकुलाइट टाइप में। बॉर्डर लाइन जो होती है, बॉर्डर लाइन टाइप की होती है, इसमें फोर आर मोर लीजन्स, चार या उससे ज़्यादा, फोर आर मोर देन फोर लीजन्स होते हैं, ये भी हाइपोपिगमेंटेड या इरिथमेटस लीजन होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, सेंसरी लॉस यहाँ भी होगा। अब बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम बॉर्डर लाइन कहा गया। बॉर्डर लाइन सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि बैक्टीरिया के बारे में जो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अभी तक नहीं बता पाए कि इसमें ओरिजिनली क्या है, कि बैक्टीरिया एबसेंट रहेगा या प्रेजेंट रहेगा, तो या दोनों चीज़ें लगी गई, या तो एबसेंट भी रह सकता है या प्रेजेंट भी रह सकता है, तो इसलिए इसको बॉर्डर लाइन कहा गया। अब लेप्रोमेटस टाइप जो होती है, लेप्रोमेटस इसमें मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल स्किन लीजन्स होते हैं, या डिफ्यूज कह लीजिए, पूरी बॉडी में होते हैं, फ्लैट होंगे या रेज्ड होंगे स्किन सरफेस से। अब कलर में वही हाइपोपिगमेंटेड या इरिथमेटस, दोनों कलर के पाए जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, हाइपोपिगमेंटेड भी हो सकते हैं, इरिथमेटस भी हो सकते हैं, और चार पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और बैक्टीरियोलॉजिकली ये पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है स्किन लीजन में, इसलिए ये सबसे खतरनाक मानी जाती है। लेप्रोमेटस टाइप में पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्किन लीजन्स का बहुत ज़्यादा होंगे और लोकलाइज नहीं कर सकते आप, डिफ्यूजली एकदम सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी बॉडी, और बैक्टीरिया इनके लीजन में प्रेजेंट होता है लेप्रोमेटस टाइप में। प्योर न्यूराइटिक टाइप सिर्फ इंडियन क्लासिफिकेशन में दी गई है, इसमें ये कहा गया कि स्किन लीजन एबसेंट रहेगा। प्योर न्यूराइटिक टाइप में स्किन लीजन जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं, सिर्फ नर्व का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। स्किन लीजन जो है वो एबसेंट होते हैं, ओनली नर्व इन्वॉल्वमेंट।
सिर्फ नर्व का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया जाता है प्योर न्यूराइटिक टाइप में। हम क्योंकि इंडिया वाले हैं तो इंडियन क्लासिफिकेशन पे ही ध्यान देंगे, बाकी सिर्फ ये नाम की चीज़ें हैं याद कर लीजिए। और ओरिजिनली जब हम नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम को पढ़ते हैं तो उसमें इन सब की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती। वहाँ पे क्या किया गया कि स्किन लीजन जो 1 से 2, 2 से 4 ये हम पढ़ रहे हैं ना, स्किन लीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्लासिफाई करके उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया गया था। उसमें पोर्टल ऑफ एग्जिट, जो मोस्ट कॉमनली पोर्टल ऑफ एग्जिट है वो नोज है। नोज जो है वो मेजर पोर्टल ऑफ एग्जिट है। इसके अलावा वूंड है, कट है, एब्रेजन है, वहां से भी बैक्टीरिया निकल सकते हैं, लेकिन जो मेजर पोर्टल ऑफ एग्जिट है वो नोज को माना गया। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5 ईयर्स इसलिए कहा जाता है कि जो ये जो हाईली इन्फेक्शस तो है लेकिन इसकी पैथोजेनिसिटी बहुत कम होती है क्योंकि इनको इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लॉन्ग है इसका। अब इन्फेक्टिविटी की बात आती है जो कितना इन्फेक्शस है, तो मैंने पहले ही बताया कि पैथोजेनिसिटी इसकी कम है। फैलता तो है लेकिन किलिंग पावर इसकी कम है। और ये माना जाता है कि जो इन्फेक्शस पेशेंट है अगर उसको सिर्फ डेक्सोन से 90 डेज तक ट्रीटमेंट कर दिया जाए, जो इन्फेक्शस पेशेंट है उसको सिर्फ आप डेक्सोन, डेक्सोन क्या है, स्टेरॉइड है, इसे 90 डेज का अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो जो इन्फेक्शस पर्सन है वो नॉन इन्फेक्शस हो जाएगा। मतलब अब वो किसी को फैला नहीं सकता वो डिजीज़। या फिर रिफामपिसिन से 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट कर दिया जाए तब भी वही रिजल्ट आ जाएगा, इन्फेक्शस पर्सन नॉन इन्फेक्शस में बदल जाएगा। रिफामपिसिन से सिर्फ 3 वीक का ट्रीटमेंट कर दीजिए, डेप्सोन से 90 डेज का, रिफामपिसिन से 3 वीक्स का, तो जो इन्फेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है पेशेंट की। अब की डायग्नोसिस कैसे करते हैं? देखिए दो तरीके से, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, दूसरा बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिन पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन में 2 फेज होते हैं। एक तो इंट्रोगेशन सबने किया होगा, नाम पता एड्रेस सब वहाँ पे लिखना है, क्या करता है क्या नहीं करता है, तब वो पूरा बायोडेटा तैयार करेंगे इंट्रोगेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं सबसे पहले स्किन लीजन्स, स्किन लीजन है नहीं है। नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, नर्व इन्वॉल्व है नहीं है, थिक है, कहाँ की है, किस एरिया की है, वो चेक कर लेते हैं। इसके अलावा सेंसिटिविटी चेक करते हैं नर्व की कि वहाँ पे सेंसेशंस इंटैक्ट हैं या सेंसेशंस ख़त्म हो चुके हैं। ये सब चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं। अच्छा, इंट्रोगेशन में एक पार्ट और आता है हिस्ट्री का। उससे हिस्ट्री में क्या पूछते हैं कि पहले उसने इससे पहले कभी ट्रीटमेंट लिया है लेप्रोसी का या नहीं लिया है, या उसके परिवार में किसी को लेप्रोसी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, या किसी के कांटेक्ट में कोई ऐसा लेप्रोसी से इन्फेक्शस था उसके कांटेक्ट में ये आ गया है या नहीं आया, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है जो यहाँ पे पूछते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, स्किन लीजन चेक करते हैं, नर्व इन्वॉल्वमेंट देखते हैं और सेंसेशन चेक कर लेते हैं एग्जामिनेशन में। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कैसे, जो स्किन लीजन है जहाँ पे वहाँ से हम स्मियर मतलब स्लाइड तैयार करते हैं उसके टिश्यू की, वहाँ से लेके और करीब करीब 6 स्लाइड तैयार की जाती है, फिर अंडर द माइक्रोस्कोप उसको चेक किया जाता है। इसमें फिर एक चीज़ आती है बैक्टीरियल इंडेक्स। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बैक्टीरियल इंडेक्स चेक करते हैं कितना है। अब बैक्टीरियल इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है, मोर देन 2 या लेस देन 2। मोर देन 2 अगर है तो वो पॉसी बैसिलरी बोला जाता है, पॉसी बैसिलरी लेप्रेसी, सॉरी लेस देन 2। और मोर देन 2 अगर बैक्टीरियल इंडेक्स है तो वो मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी में आता है। इसके अलावा जो नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम है इसके अंडर में जो डायग्नोसिस बनाई जाती है ये स्किन लीजन पे बनाई जाती है। अगर 1 to 5 स्किन लीजन है, 1 to 5 स्किन लीजन है तो वो हो जाएगी पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी। अब मोर देन 5 है, अगर मोर देन 5 स्किन लीजन्स है तो वो मल्टी बैसिलरी। दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग हैं, बस बेसिकली यही कि ट्रीट करने के लिए ही ये क्लासिफिकेशन दी गई थी, 1 to 5 स्किन लीजन्स और मोर देन 5 स्किन लीजन्स की। अब अगर इनसे मान लीजिए हमने बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया और फिर भी डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है तो फिर कल्चर कराते हैं, माइकोबैक्टीरियम का कल्चर कराते हैं।
इसको कहते हैं कल्चर जो हम कराते हैं वो फूड पैड कल्चर। किसमें कराते हैं, किसी ने पढ़ रखा हो तो उसे याद होगा, ये जो फूड पैड कल्चर कराया जाता है ये किसमें कराया जाता है, चूहों में। चूहों में, चूहों के जो फूड पैड होते हैं जो जिसको हम कहते हैं तलवा, हाँ, उसमें क्या करते हैं, इनाकुलेट करते हैं। बेसिकली किसी इन्फेक्शस पर्सन है तो उसकी जो स्किन का वो जहाँ हम स्लाइड तैयार करें तो वैसे ही यहाँ पे इनाकुलेट कर देते हैं। अब उसके पैर में अगर हमने इनाकुलेट कर दिया तलवे में, तो उसके बाद चेक करते हैं कि यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके मल्टीप्लिकेशन को चेक किया जाता है। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, 6 to 9 month लग जाता है उसके सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है ये। इसके अलावा एक चीज़ है हिस्टामिन टेस्ट, ये सब सेकेंडरी हैं। हिस्टामिन टेस्ट भी कराते हैं इसी में, डायग्नोसिस के लिए ही करते हैं, अगर इनिशियल डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है तब कराते हैं हिस्टामिन टेस्ट। इसमें हिस्टामिन टेस्ट में बेसिकली जो पेरिफेरल नर्व डैमेज को देखा जाता है। पेरिफेरल नर्व डैमेज को देखा जाता है, अगर इन सबसे भी नहीं हुआ तो लास्ट में बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी से फिर चेक किया जाता है। अब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं लेप्रोसी के पेशेंट को, तो उस टेस्ट को जो नाम दिया गया वो लेप्रोमिन टेस्ट। देखिए मल्टीपल टेस्ट हैं, कम से कम 5 या 6 टेस्ट हैं अलग अलग, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है और जो यूज में होता है वो लेप्रोमिन टेस्ट ही यूज में आता है। अब लेप्रोमिन टेस्ट में जो एंटीजन है, दो एंटीजन यूज किए जाते हैं, धर्मेंद्र एंटीजन और मितसुदा एंटीजन। जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो धर्मेंद्र एंटीजन यूज होता है, और WHO का रिकमेंडेड भी यही है, और कंसेंट्रेशन इसकी होती है 1/16। हाँ, टेस्ट कैसे करते हैं, 0.1 ml लेप्रोमिन लेते हैं जिसमें ये धर्मेंद्र एंटीजन होता है, वो फोर आर्म के इनर एस्पेक्ट पे उसको इंट्राडर्मली देते हैं। जैसे हम उसमें उसके लिए मोनटॉक्स टेस्ट नहीं लगाते थे टीबी के लिए, सेम ऐसे ही इसको भी किया जाता है। रीडिंग इसकी दो तरीके से ली जाती है, आफ्टर 48 आवर्स एंड आफ्टर 21 डेज। तो जो 48 आवर्स पे जो रीडिंग ली जाती है, अर्ली रिएक्शन होता है, इसको फर्नांडिस रिएक्शन बोलते हैं, फर्नांडिस रिएक्शन। आफ्टर 48 आवर्स पे इसकी रीडिंग ली जाती है। इसमें क्या होता है, फर्नांडिस रिएक्शन में सिर्फ वही चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे रेडनेस हो रही है, जो एरिया वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, रेडनेस जो हो रही है, अगर वो मोर देन 10 mm की है तब हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेस्ट है ये, और उससे कम है तो टेस्ट निगेटिव। क्या बताता है कि अगर रेडनेस मोर देन 10 mm की है तो पेशेंट जो है एक्सपोज हो चुका है या उसको इन्फेक्शन हो चुका है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा का। डिलेट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है और ये लेट रिएक्शन से सुपीरियर है, इसको ज़्यादा बेटर माना गया है। और क्योंकि देखिए हम यहाँ पे 48 आवर्स में देख रहे हैं, तो लगभग लगभग अगर इसकी करेस्पॉन्डेंस चेक किया जाए तो मॉन्टोक्स रिएक्शन की तरह ही इसका भी करेस्पॉन्डेंस आता है, तो इसलिए इसको कहा कि करेस्पॉन्ड टू मॉन्टोक्स रिएक्शन, अर्ली जो रिएक्शन होता है लेप्रोमिन का, जिसको फर्नांडिस रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली वही देखते हैं, रेडनेस ही देखते हैं, कितने रेडनेस, किस कितना एरिया है रेडनेस का। हम मॉन्टोक्स में भी देख रहे थे लेकिन वहां पे कब देख रहे थे, 72 आवर्स के बाद, यानी 3 दिन के बाद, यहाँ पे 2 दिन के बाद देखना है। लेट रिएक्शन जो होता है उसको कहते हैं लेट मित्सुदा रिएक्शन, आफ्टर 21 डेज, 21 दिनों के बाद इसको चेक किया जाता है। तो अब जो वहाँ पे स्टार्टिंग में रेडनेस हो रही थी, अगर उसको एक्सपोजर था, उसको इन्फेक्शन था, तो बाद में 21 दिनों के बाद वहाँ पे नोड्यूल बन जाता है। वहाँ पे क्या बनेगा, नोड्यूल बन जाएगा, जो वो पॉजिटिव है। इसके अलावा जो BCG वैक्सीन अगर किसी को लगी है तो ये जो लेट रिएक्शन है ना ये पॉजिटिव में बदल सकता है, तो एक इसका ये ड्रॉबैक है लेट रिएक्शन का, इसलिए जो अर्ली रिएक्शन इसी को सुपीरियर माना गया है। लेप्रोमिन टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, सिर्फ इसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को चेक करने के लिए पेशेंट की, कि हाँ उसको एक्सपोजर हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसी को चेक करने के लिए ये यूज हुआ होता है। इससे क्या होता है, लेप्रोसी की डायग्नोसिस और उसके क्लासिफिकेशन में मदद मिलती है। इसके अलावा नॉन केसेस मैंने अभी बताया कि अगर BCG किसी को लगी है
तो वो निगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकता है ये टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट। तो इसका ये ड्रॉबैक भी है कि नॉन केसेस में भी ये पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा लेप्रोमेटस और नियर लेप्रोमेटस केसेस में ये निगेटिव ही आता है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि कैसे ये कंफर्मेशन करता है, तो लेप्रोमेटस केस है और नियर लेप्रोमेटस यानी बॉर्डर लाइन जो केस था, उन दोनों को छोड़ के बाकी सब में ये पॉजिटिव हो सकता है। लेप्रोमेटस और बॉर्डर लाइन में ये निगेटिव आएगा लेप्रोमिन टेस्ट। अब ये कुछ डिफिनीशंस हैं इसकी कि पॉसिबली लेप्रोसी कब कहेंगे। अभी मैंने बताया था कि 1 to 5 स्किन लीजन्स अगर इन्वॉल्व हैं या कोई एक नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी पाया जा रहा है ऑन एग्जामिनेशन, तो वो पॉसिबली लेप्रोसी है। मल्टी बैसिलरी में मोर देन 5 या 6 आर मोर स्किन लीजन्स हैं या एक से ज़्यादा नर्व का इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है। अब ट्रीटमेंट जब हम करते हैं नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम में, जब हम मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं पेशेंट को, तो उसमें ये टर्म है एडिक्वेट ट्रीटमेंट। जब पेशेंट 9 महीने के अंदर अंदर उसने 6 महीने की थेरेपी ले ली है पॉसीबैसिलरी के लिए और 12 महीने की थेरेपी को उसने कंप्लीट किया 18 महीने में मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ पेशेंट इज एडिक्वेटली ट्रीटेड। एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो चुका है पेशेंट का। रेगुलर ट्रीटमेंट मतलब जिसने MDT ली है, अगर 4 महीने की MDT थी पॉसीबैसिलरी की, सॉरी 6 महीने का ड्यूरेशन था और 4 महीने तक उसने लगातार कंटिन्यू उसने ट्रीटमेंट ले लिया पॉसीबैसिलरी का, तो दैट मीन्स कि ट्रीटमेंट उसने रेगुलर लिया है। या फिर 12 महीने के अगर ड्यूरेशन है मल्टीबैसिलरी का, तो उसमें से अगर 8 महीने का ट्रीटमेंट ले लिया है लगातार उसने, तो वो रेगुलरली वो ट्रीट हो रहा है यानी उसका ट्रीटमेंट जो है वो रेगुलर चल रहा है। ये था केस किसे कहते हैं जिसमें क्लिनिकल साइंस हो लेप्रोसी की, चाहे बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्मेशन हो या ना हो। लेकिन क्लिनिकल साइंस जो अभी 4 कार्डिनल साइंस मैंने बताई थी, क्लिनिकल साइंस लेप्रोसी के मौजूद हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्मेशन है नहीं है कोई बात नहीं है, या जिसने फुल कोर्स ट्रीटमेंट जो है मल्टी ड्रग थेरेपी का जिसको MDT बोलते हैं, MDT उसने कंप्लीट नहीं ली है, क्लिनिकल साइंस लेप्रोसी के हैं, तब भी वो केस आ जाएगा। न्यूली डायग्नोस्ड केस जिसने कभी भी पहले MDT नहीं ली है। जब हम किसी की MDT शुरू करते हैं तो हिस्ट्री लेते हैं ना, पहले तुमने ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है, अगर उसने कभी भी नहीं लिया है तो वो न्यूली डायग्नोस्ड केस में आएगा। डिफाल्टर किसे कहते हैं, लेप्रोसी का पेशेंट था जो मल्टी ड्रग थेरेपी ले रहा था लेकिन लगातार 12 महीने तक यानी लगातार 1 साल तक उसने ट्रीटमेंट ही नहीं लिया लेप्रोसी का, तो उसको हम डिफाल्टर कहते हैं। और रिलैप्स केस, रिलैप्स का मतलब क्या होता है, फिर से उभर के आ जाना। किसे कोई था जिसने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया था, वो क्योर हो गया था और बाद में फिर से उसको साइन और सिम्टम्स डिजीज के डेवलप हो गए, तो उसको हम रिलैप्स केस कहते हैं। ये डिफिनीशंस थी कुछ इसकी। अब नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम कि सबसे पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1955 में, याद रखिएगा नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1955 में। इसका जो एम था अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड डैप्सोन, इसमें जो थेरेपी चलती थी वो डैप्सोन मोनोथेरेपी चलती थी यानी सिर्फ स्ट्राइड दिया जाता था। डैप्सोन मोनोथेरेपी सिंगल स्ट्राइड का यूज किया जाता था इस नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम में, ट्रीटमेंट के तौर पे डैप्सोन का यूज होता था, केसेस को डिटेक्ट करना था और डैप्सोन से ट्रीट करना था। ट्रीट तो हो रहे थे लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस थी, केस को डिटेक्ट करना फिर डैप्सोन की थेरेपी देना, वो भी डैप्सोन कम से कम कितने दिन चलना था, 6 से 12 महीने तक, और बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट भी नहीं आ रहा था उस तरीके का जो डिजायर्ड था, तो जो लेप्रोसी का इंसिडेंस था वो कम नहीं हो रहा था। तो फिर 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई कि आप कुछ नया सुझाव दीजिए, तो उन लोगों ने जो रिकमेंड किया उस पर उन्होंने कहा कि अब ये जो कंट्रोल प्रोग्राम है इसको रिवाइज़ किया जाए, तो उसको रिवाइज कर फिर आया नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम 1983 में। इसमें जो रिकमेंडेशन थी, जो एम दिया गया कि जो केस लोड है लेप्रोसी का उसको एक या एक से कम केस पर 10,000 पॉपुलेशन, केस लोड जो लेप्रोसी का था 1 आर लेस देन 1 पर 10,000। अब अगर आपको याद हो कि
लेप्रोसी का एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया था? ये यही था, एलिमिनेशन क्राइटेरिया ऑफ लेप्रोसी लेस देन 1/10,000, यही तो था। और इन्होंने जो इस प्रोग्राम में जो ये एम दिया गया था, ये था कि इसको केस लोड को कम करना है कब तक? 2000 तक, 2000 तक जो इंसिडेंस है इस केस का, उसको लेस देन 1/10,000 लेके आना है। और इसका जो मेन इम्फेसिस था इस प्रोग्राम का, वो था मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी, अब ये क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि मल्टी ड्रग थेरेपी किस डिजीज में यूज करते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस में 4-5 ड्रग चलती हैं, तो वही मल्टी ड्रग थेरेपी हो गई। नहीं, मल्टी ड्रग थेरेपी जो है वो लेप्रोसी में चलती है। इसमें जो ट्रीटमेंट, जो ड्रग्स यूज होती थी मल्टी ड्रग थेरेपी में, वो रिफाम्पिसिन थी, क्लोफाजिमिन और डेप्सोन। रिफाम्पिसिन जो चलती थी वो बैक्टेरिसाइडल है। रिफाम्पिसिन जो है, हमने बात की थी इससे पहले भी, रिफाम्पिसिन क्या है? बैक्टेरिसाइडल है, बैक्टीरिया को किल करता है। क्लोफाजिमिन जो है ये बैक्टीरियो स्टेटिक है, बैक्टीरिया के मल्टीप्लीकेशन को रोकता है, और डेली उस पर दी जाती है। और रिफाम्पिसिन जो दी जाती है 1 से मंथ सुपरवाइज करके दी जाती है 6 मिलीग्राम डोज में। और डेप्सोन जो है अप टू 100 मिलीग्राम। अब वैसे जितने भी स्टेरॉइड हैं वो लोअर डोज में ही शुरू की जाती हैं, लेकिन अगर उससे डिजायर्ड रिजल्ट वो नहीं आ रहा है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। और इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी में ये कहा गया कि अप टू 100 मिलीग्राम तक डेप्सोन दी जा सकती है, सेफ है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी में, अब सिंगल स्किन लीजन अगर था लेप्रोसी में, लेप्रोसी में अगर सिंगल स्किन लीजन था, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना था इस नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम के अंडर में? इससे पहले जो चलता था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम में सिंगल स्किन लीजन था, तो रोम थेरेपी एक थी पहले जो थी, वो रोम थेरेपी चलती थी। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि रोम थेरेपी किस में चलती थी? तो रोम थेरेपी चलती थी लेप्रोसी में ही चलती थी। किसके लिए? सिंगल स्किन लीजन के लिए चलती थी रोम थेरेपी। इसमें क्या था? रिफैम्पिसिन थी, आर से रिफैम्पिसिन, ओ से ऑफ्लक्सेसिन और एम से मिनोसाइक्लिन। पहले ये चलती थी रोम थेरेपी सिंगल स्किन लीजन के लिए, लेकिन अब 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया जाता है सिंगल स्किन लीजन वालों को भी, जैसे पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी में दिया जाता है। सिर्फ रिफाम्पिसिन और डेप्सोन को दिया जाता है। पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी का जो ट्रीटमेंट है वो रिफाम्पिसिन और डेप्सोन है 6 मंथ के लिए देते हैं, और वही सिंगल स्किन लीजन के लिए भी दिया जाता है, एक हो या लेस देन 5 हो। 1 से लेके 5 तक के स्किन लीजन्स के लिए पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी का जो ट्रीटमेंट है वो रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन है, याद रखिएगा। और ये जो मल्टी ड्रग है, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमिन और डेप्सोन, ये जो है मोर देन 5 स्किन लीजन अगर है, यानी जिसको हम कहते हैं मल्टी बैसिलरी, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज होते हैं 3 ड्रग्स, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमिन और डेप्सोन। अब इसमें अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, हमने मल्टी ड्रग थेरेपी स्टार्ट कर दी है किसी पेशेंट की, तो उसमें एक रिएक्शन डेवलप हो सकता है, लेप्रा रिएक्शन जिसको बोलते हैं। कभी भी बिफोर डायग्नोसिस, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट हैज फिनिश्ड, इलाज हो चुका है पूरा, उसके बाद भी कभी भी ये रिएक्शन हो सकता है। और रिएक्शन जो है ये सिर्फ एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, जो स्किन पैच, नर्व, आँख या कुछ केसेस में इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये अफेक्ट करता है। दो तरीके के रिएक्शन इसमें बताए गए, टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन एंड टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन। टाइप 1 को रिवर्सल रिएक्शंस का मोस्ट कॉमन जो होता है ये बॉर्डर लाइन लेप्रोसी में होता है, और टाइप 2 को एरिथिमा नोडोसम लेप्रोसम ENL लेप्रोमेटस लेप्रोसी में ये ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा बॉर्डर लाइन में भी कभी कभी ये हो जाता है। जो इसके फीचर दिए गए वो दिए, स्किन लीजन जो होते हैं वो रेड हो जाएंगे, सोलन हो जाएंगे, पेनफुल और टेंडर नर्व होंगी, नर्व डैमेज की साइन यानी एनेस्थीसिया डेवलप हो चुका होगा, फीवर होगा, हाथ और पैर जो होगा वो फूल जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, और न्यू स्किन लीजन्स, हालांकि रेयर है लेकिन न्यू स्किन लीजन्स भी इसमें बन जाएंगे। और टाइप 2 लेप्रा रिएक्शंस में नए स्किन लीजन नहीं बनते हैं, नोड्यूल होते हैं इसमें, जो नोड्यूल होते हैं वो टेंडर हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा पेनफुल और स्वेलन नर्व भी मिलती है, हालांकि अकेजनली है, हमेशा नहीं मिलती, नर्व इन्वॉल्वमेंट इसमें कम होता है लेप्रोमेटस में। फीवर मिलेगा, जॉइंट पेन, मैलेज, आई इन्वॉल्वमेंट, स्किन लीजन्स, नए स्किन लीजन्स इसमें नहीं मिलते हैं।
न्यू स्किन लीजन्स इसमें नहीं मिलते हैं टाइप टू लेप्रा रिएक्शंस में। अब अगर मान लीजिए कोई पेशेंट ड्रग पे है, मल्टी ड्रग थेरेपी ले रहा है, उसको लेप्रा रिएक्शन डेवलप हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो थेरेपी है उसको रोक देंगे, थेरेपी को चलने देंगे, उसको कंप्लीट कराएंगे। हाँ, इसके लिए अलग से फिर से ट्रीटमेंट किया जाता है टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन का। अगर थेरेपी ले रहा है तो वो कंटिन्यू करेंगे, थेरेपी के बाद अगर ये डेवलप हो गया तो फिर इसको ट्रीट किया जाता है। रिवर्सल रिएक्शन है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ प्रेडनिसोलोन देते हैं। टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन में ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो सिर्फ प्रेडनिसोलोन से करते हैं। टाइप 2 अगर है क्लासिफाई किया गया एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम, इसमें अलग अलग, अगर माइल्ड केस है, सिर्फ माइल्ड केस है तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दे देते हैं, कोई भी सुटेबल एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दी जा सकती है, और मोस्ट कॉमनली एस्प्रिन यूज की जाती है इसमें। और मॉडरेट केसेस हैं तो, अगर मॉडरेट केसेस हैं तो उसमें भी स्टेरॉइड यूज किया जा सकता है। प्रेडनिसोलोन फिर से देंगे, मतलब वही स्ट्राइड, यहाँ भी सीवियर केसेस में प्रेडनिसोलोन देते हैं। अब देखिए, जब भी स्ट्राइड शुरू की जाती है, खासतौर से अगर किसी को 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक स्ट्राइड यूज करना है, तो एक ही एक हमेशा लो डोज से स्टार्ट करते हैं, और जब स्ट्राइड को फिर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आपने अचानक से विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं अगर स्ट्राइड को अचानक से रोक दिया जाए किसी के भी चलते, तो धीरे धीरे टेपर करके, डोज को कम करके धीरे धीरे उसको ख़त्म किया जाता है। और इस कंडीशन में जो टाइप 2 लेप्रा रिएक्शंस हैं, इसमें जब प्रेडनिसोलोन को ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, तो उस वक्त फ्लोफाज़ेमीन देते हैं। फ्लोफाज़ेमीन देते हैं जब स्ट्राइड को हम विड्रा करते हैं, ताकि विड्राल सिम्टम्स वो डेवलप ना होने पाए। अब नेशनल लेप्रोसी एराडिकेशन प्रोग्राम के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जो रिकमेंडेशन आई थी कमेटी की 1983 में जो बन गई, अब इराडिकेशन प्रोग्राम शुरू होगा, उसका एम क्या था कि लेप्रोसी के जो इंसिडेंस रेट है उसको less than 1/10,000 लेके आया जाए। उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ शुरू की गई वो सर्वे, एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर, जिसको सेट सेंटर भी बोला जाता है। और ये जो सेट सेंटर था, ये था कि एक सेट सेंटर डेवलप होगा 20 से 25 पॉपुलेशन के लिए, फॉर एवरी, किसी का माइक आ हुआ। चलिए बंद हो गया। एक सेट सेंटर हम डेवलप करेंगे 20 से 25 हज़ार पॉपुलेशन के लिए, था सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर। हाँ, और इसको अटैच किया गया रूरल एरिया में PHC से, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ, इनको उसी से अटैच कर दिया गया। जो इसका कंट्रोल किसके हाथ में था, मेडिकल ऑफिसर, जो PHC का मेडिकल ऑफिसर था उसी के हाथ में इसका कंट्रोल दे दिया गया। पॉपुलेशन कितने लोगों को ये कवर कर रहा था, 20 से 25 हज़ार की पॉपुलेशन को एक सेट सेंटर दिया गया था। स्टाफ एक पैरामेडिकल वर्कर था जो इसके स्टाफ में आता। उसका काम क्या था, वो हाउस टू हाउस सर्वे करके केसेस को डिटेक्ट करना था, लेप्रोसी के बारे में लोगों को बताना था, एजुकेट करना था, और जितने भी केस को वो डिटेक्ट कर रहा था उनको फ्री ट्रीटमेंट देना था, PHC से फ्री ट्रीटमेंट मिलना था उसको। इसके अलावा जब भी उसने केस डेवलप कर लिया तो उसके कांटेक्ट ट्रेसिंग, ये कितने लोगों के साथ उठा बैठा, कितने लोगों से इसका कांटेक्ट हुआ, तो उनको कांटेक्ट ट्रेसिंग भी करनी थी, और फिर उनकी जो कांटेक्ट थे हेल्दी कांटेक्ट थे उनकी कीमो प्रोफाइलेक्सिस करनी थी डैप्सोन से। ये जो फंक्शन थे किसके थे, सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर के, जो ये स्टाफ था पैरामेडिकल वर्कर उसके जिम्मे ये काम थे चारों। पॉपुलेशन कितनी कवर कर रहा था, 20 हज़ार से लेकर 25 हज़ार की पॉपुलेशन थी। उसके बाद एक सेंटर फिर डेवलप हुआ, अर्बन लेप्रोसी सेंटर, सेम यही है जो सर्वे एजुकेशन सेंटर, यही अर्बन लेप्रोसी सेंटर भी। सर्वे एजुकेशन सेंटर किसके लिए था, रूरल एरिया के लिए था, तो ये था अर्बन एरिया के लिए, इसलिए इसको अर्बन लेप्रोसी सेंटर का नाम दिया गया। 50 हज़ार पॉपुलेशन के लिए एक ULC अर्बन लेप्रोसी सेंटर डेवलप किया गया। इसके अलावा फिर बनाई गई लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट, 4 से 5 लाख पॉपुलेशन के लिए एक कंट्रोल यूनिट, जो हेड होती थी, जो यहाँ से फीडबैक लेती थी इन दोनों सेंटर से, वो थी लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट।
4 से 5 लाख पॉपुलेशन पे एक लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट हुआ करती थी। इसके अंडर में इसी में जो डेवलप की गई सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सिस्टम था सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए था। कब स्टार्ट किया गया? 2002 में। मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इसेंशियल फॉर द मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफ नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चल रहा था उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए कि हाँ ये नॉर्मल फंक्शनिंग में है, लोग काम कर रहे हैं, केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना था, मैनेज करना था, उसके लिए ये बनाया गया था सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें इंडिकेटर्स क्या थे कि लेप्रोसी के प्रिवेलेंस रेट को जानना था कि केस कम हो रहे हैं या केस बढ़ रहे हैं या केसेस जो हैं वो वहीं पर। प्रिवेलेंस में हमेशा नंबर ऑफ न्यू और ओल्ड केसेस दोनों देखे जाते हैं, नए केस का डिटेक्शन रेट कितना, कितने नए केस आ रहे हैं, उनका इंसिडेंस क्या है, और जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें बच्चों का प्रोपोर्शन कितना है, और नए केसेस में ही मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी कितने हैं, पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी कितने हैं, ये सब जानना था। सब वही चीज़ें, फीमेल प्रोपोर्शन कितना है नए केसेज में, एससी और एसटी में कितने नए केस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली जो ये सब थे, ये इंफॉर्मेशन गैदर करके उन्हें अपने प्रोग्राम को और अच्छे से मैनेज करना था। कि मान लीजिए एससी और एसटी कहीं पे है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स, वहाँ पे केसेस आ रहे हैं, तो फोकस थोड़ा वहाँ पे बढ़ाना था। बच्चों में अगर ज़्यादा आ रहा है तो बच्चों के लिए फिर उनके बड़ों को एजुकेट करना था, बच्चों को बताना था। तो इस तरीके से ये जो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करती थी सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, शुरू हुई थी 2002 में। कंपोनेंट किसका है? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का ही ये कंपोनेंट था। फिर एक प्रोग्राम शुरू हुआ 2005 में, फोकस्ड लेप्रोसी एलिमिनेशन प्लान। इसका जो मेन प्रायोरिटी एरिया था, जहाँ ऐसे जगहों पे इसको फोकस करना था जहाँ पे प्रीवेलेंस मोर देन 3 केसेस पर 10,000 आ रहे थे। अच्छा ये बताइए, इंडिया से एलिमिनेट हो चुकी है ना लेप्रोसी? यस सर, कब हुई है? 2006 में। 2005 में ही होगी। और दादरा और नगर हवेली और शायद छत्तीसगढ़, दो ऐसे स्टेट है जहाँ पे अभी भी प्रिवेलेंस जो है इसका ज़्यादा है। हाँ, तो अभी इन जगहों पे चल भी रही है, लेकिन ये जो एलिमिनेशन क्राइटेरिया था हमारा, लेस देन 1 पर 10,000, उसको अचीव कर लिया गया था पूरे नेशन वाइड अगर बात करें। तो इसलिए 2005 में WHO ने सर्टिफाइड किया कि इंडिया से लेप्रोसी एलिमिनेट हो चुकी है। इसमें क्या करते थे, फोकल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्लान में खास तौर से ऐसे एरिया को टारगेट किया गया जहाँ पे प्रिवेलेंस इस केस का कितना था, मोर देन 3 था पर 10,000। और ब्लॉक लेवल पे हफ्तों, एक हफ्ते का प्रोग्राम होता था, लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन जिसको हम कहते हैं, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता था फोकल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्लान के अंडर में। इसके बाद एक टर्म आता है एकम्पनीड MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें जो है ना, अगर कोई पेशेंट है वो मान लीजिए सेंटर पे नहीं आ रहा है, नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, उसको कोई काम है या कुछ उसके पास मजबूरी है, अगर वो नहीं आ पा रहा है क्लिनिक पे अपनी ड्रग लेने, तो उसकी फैमिली का या उसके गांव का कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, गांव से अगर कोई आ रहा है तो कोई विलेज हेड हो या विलेज हेड ने किसी को भेज दिया हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ मैं इसकी ड्रग कलेक्ट करके इस तक पहुँचाऊँगा और ये उसको यूज़ करेगा, तो उसको कहा गया कंपनीड MDT। खास तौर से ये किन पेशेंट के लिए थी, हु हैव टू इंटरप्ट देयर ट्रीटमेंट ड्यू टू एनी अवॉइडेबल रीजंस, जो इररेगुलर पेशेंट थे, जो नहीं आ पा रहे थे किसी वजह से, कोई और काम पड़ गया था, तो उनके लिए ये कंपनीड MDT शुरू की गई थी कि उनके परिवार का कोई आ जाए या गांव का कोई आ जाए, वो इनकी जो किट है ड्रग की वो लेके जाए, इन तक पहुँचा दे। इसी कंपनीड MDT में एक चीज़ और, पेशेंट को चॉइस दी गई कि चाहे तो वो जो 6 महीने का कोर्स या 12 महीने का कोर्स है वो पूरी की पूरी दवा एक साथ लेके जा सकता है और उसको यूज़ करना है पहले, लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा हाँ हम यूज़ करेंगे, तो उनको पूरे पूरे कोर्स की भी दवा दी जाती थी इसी एकम्पनीड MDT के अंडर में। इसके एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर्स जो प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस को बताने के लिए थे, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इंसिडेंस और प्रीवेलेंस। जब अगर पीछे का आपको याद हो तो एक चीज़ बता दीजिए, इंसिडेंस रेट कहाँ से निकला था, हमने पढ़ा है कोहार्ट स्टडी से। क्वार्ट इट इज वेरी गुड, और प्रीवेलेंस केस कंट्रोल और थोड़ा सा सी से कोई और भी याद हो तो उसको बता दीजिए। क्रॉस सेक्शनल से। यस, प्रीवेलेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी से निकली।
केस कंट्रोल स्टडीज है ना, हमें आर्ट्स रेशियो मिला था। आर्ट्स रेशियो और इंसिडेंस, कभी कभी जो क्वार्ट स्टडी को इंसिडेंस रेट स्टडी भी बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, इसके मल्टीपल नेम है, याद करिएगा उसको। तो जो इंसिडेंस है इसका लेप्रोसी का, ये लेप्रोसी के ट्रांसमिशन के बताने के लिए यूज होता है कि हाँ अभी ट्रांसमिट हो, जाहिर सी बात है इंसिडेंस में नंबर ऑफ न्यू केसेस देखते हैं, प्रीवेलेंस में न्यू और ओल्ड केस दोनों देखते हैं। तो न्यू केस आ रहा है अगर, इसका मतलब क्या है कि लेप्रोसी अभी एक्टिव है, एक्टिव केसेस इसके हैं जो ट्रांसमिट कर रहे हैं डिजीज के। तो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसमिशन वो क्या था, इंसिडेंस ऑफ लेप्रोसी था। और अगर हमने कोई मेजर लिया, मान लीजिए कंट्रोल प्रोग्राम हम एमडीटी दे रहे थे, सर्वे एजुकेशन सेंटर हमने सेट कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग घर घर जाके हम केस डिटेक्ट कर रहे थे, लोगों को दवा दे रहे थे, उसके बावजूद भी अगर इंसिडेंस नया आ रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। तो ये क्या करता था, ये उसी इफेक्टिवनेस को बताने के लिए ये सबसे बेहतरीन इंडेक्स है, इंसिडेंस ऑफ लेप्रोसी जो मेजर्स लिया गया था। प्रिवेलेंस में न्यू और ओल्ड केस दोनों देखे जाते हैं, तो ये केस लोड को उस कम्युनिटी पे या उस एरिया में केस लोड को बताता है कि हाँ यहाँ पे इस डिजीज का कितना बर्डन है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इन फ्यूचर जो हमें प्लान करना है कि हाँ हमें किस तरीके के मेजर्स लेने हैं, तो ये प्रिवेलेंस को देख के ही किया जाता है। कहीं पे अगर एक केस आ रहा है तो वहाँ कम, कहीं पे तीन चार ज़्यादा, जैसे फोकस्ड प्लान शुरू हुआ 2005 में जहाँ पे मोर देन 3 केसेस आ रहे थे पर 10,000, तो ऐसी प्रिवेलेंस क्या था, ज़्यादा था, तो उन जगहों की प्लानिंग भी है थोड़ा अलग तरीके से करनी है। तो प्रिवेलेंस बेसिकली इसी के लिए था, मेजर ऑफ केस लोड एंड यूजफुल इन प्लानिंग ट्रीटमेंट सर्विसेज। ये दो इंडाइसेस याद कर लीजिएगा एपिडेमियोलॉजिकल। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लेप्रोसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा देख लीजिए, सबने पढ़ा है। एलिमिनेशन लेवल ऑफ लेप्रोसी वही है, लेस देन 1/10,000, ये ना जो जीरो इनको याद करें, वरना नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है, गलती यही होती है। लेस देन 1/10,000 एलिमिनेशन लेवल ऑफ लेप्रोसी है, और अगर यही मोर देन 1/10,000 आ जाए तो ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेवल ऑफ लेप्रोसी फॉर डिक्लेयरिंग इट एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम मोर देन 1/10,000, यानी 10,000 पॉपुलेशन में एक से ज़्यादा अगर केस आ रहा है तो वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और एलिमिनेशन लेवल क्या था हमारा, लेस देन 1/10,000, हमने 2005 में इंडिया से लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है, इंडिया एलिमिनेटेड लेप्रोसी इन दिसंबर 2005। और जो गोल था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में, 2002 में, वो ये था कि 2005 में लेप्रोसी को एलिमिनेट करना, और ये गोल अचीव हो गया। लेप्रोसी एग्जिबिट्स बोथ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दोनों तरीके की इम्यूनिटी इसमें मिलती है। अब एक चीज़ याद, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, ओल्डेस्ट नोन डिजीज टू मैनकाइंड ये लेप्रोसी ही है। लेप्रोसी इज द ओल्डेस्ट नोन डिजीज टू मैनकाइंड। हैंसेंस डिजीज इसी को कहते हैं, और सोशल डिजीज भी लेप्रोसी को ही कहते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं अलग अलग। जब ट्रीटमेंट हो गया, मल्टी ड्रग थेरेपी हो गई, मोनोथेरेपी हो गई, ये बताइए जुजाम के लिए यूनानी में कौन सी दवा है, लेप्रोसी के लिए यूनानी में सबसे अच्छी दवा क्या है? थोड़ा सा आजकल अद्विया चल रही चाल है बहरा दूसरे ग्रुप पे, साल का अगस्त और चाल मोहरा चाल मोगरा, हाँ प्लांट ओरिजिन ड्रग है चाल मोगरा। ये जुजाम में यूज होती है चाल मोगरा, इसको भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ये लास्ट स्लाइड है, पॉसी बैसिली लेप्रोसी और मल्टी बैसिली लेप्रोसी को कैसे डिवाइड करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट कैसे चलता है। पॉसी बैसिली लेप्रोसी हमने कहा कि एक तो उसमें जो स्किन लीजेंस हैं कितने होने चाहिए, 1 to 5, 1 to 5 स्किन लीजेंस होने चाहिए। और बैक्टीरियल इंडेक्स, बैक्टीरियल इंडेक्स जो स्क्रैपिंग करके स्लाइड करके स्मियर से चेक किया जाता है, उसमें जो लोड है वो लेस देन 2 का आना चाहिए। इंडेक्स बनाया गया था इसमें बहुत, उसमें मल्टीपल स्लाइड्स को चेक किया जाता है, पर आयल इमर्शन फील्ड उसमें चेक करते हैं कितने बैक्टीरियल लोड है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकाला जाता है। तो हमें उस पर नहीं जाना है, ये याद रखें बैक्टीरियल इंडेक्स कितना कितना होना चाहिए। लेस देन 2 है तो उसको पॉसी बैसिली लेप्रोसी, स्किन लीजन की बात करें तो 1 to 5 स्किन लीजन होना चाहिए तब पॉसी बैसिली लेप्रोसी है।
अब टाइप्स में इंडिटर्मिनेट पोलर ट्यूबरकुलाइड, इसको मत याद रखिए। थेरेपी कौन सी चलती है इसकी? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में रिफाम्पिसिन 600 मिलीग्राम चलती है और डेप्सोन 100 मिलीग्राम डेली चलाते हैं। OAMS का मतलब है वंस ए मंथ सुपरवाइज्ड, महीने में एक बार रिफाम्पिसिन दी जाती है, डेप्सोन डेली दी जाती है। सिर्फ रिफाम्पिसिन और डेप्सोन देते हैं पासी बैसिलरी के लिए। अब मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी है अगर स्किन लीजन्स मोर देन 5 है, मोर देन 5 स्किन लीजन्स, और बैक्टीरियल इंडेक्स भी मोर देन 2 अगर है, तो वो हो गई मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। इसकी जो है मल्टी ड्रग में अगर बात करें, रिफैम्पिसिन देते हैं वही वंस ए मंथ 600 मिलीग्राम, डेप्सोन 100 मिलीग्राम डेली, और क्लोफाजमीन 300 मिलीग्राम वंस ए मंथ सुपरवाइज, या फिर अगर हम 300 मिलीग्राम नहीं देना चाहते तो 50 मिलीग्राम डेली भी दी जा सकती है क्लोफाजमीन। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ये याद रखने की चीज़ है, 6 मंथ ड्यूरेशन होता है पॉसी बैसिलरी का और 12 मंथ ड्यूरेशन जो होता है वो मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी का है। फॉलो अप, ट्रीटमेंट के बाद फॉलो अप भी करना है 2 साल तक, एनुअली फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल तक 2 बार, एक एक साल के गैप पे वो 2 बार आएगा फॉलो अप पे पासी बैसिलरी लेप्रोसी का पेशेंट, और 5 साल तक एनुअली करना है मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी के पेशेंट को, मतलब हर साल 5 बार इसका फॉलो अप जो है वो 5 टाइम्स होगा और इसका 2 टाइम्स एनुअली, मतलब एक एक साल के गैप पे दोनों का फॉलो अप करना है। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 मंथ पासी बैसिलरी का और 12 मंथ मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी का है। ये लास्ट स्लाइड थी। कोई क्वेश्चन? किसी?